नोहा और मजारस की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई से नई नोहा और मजारस सुनने को मिल सकें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जुजना ने भी अपनी जबान में सारा हाल सुनाया कि मेरा मौला कैसे जी से जमीन पर आया। असर का वक्त है, शब्बीर है तन्हाई में, एक मादाश्त मुसीबत में चली आई है। देख कर माँ को शब्बीर बुका अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नज़ाने आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हरम इमाम हुसैन अलैहि सलाम पर कुछ अरबी इबारत लिखी हुई है, जिसमें से एक अरबी इबारत का मफहूम और तर्जुमा यह है कि सलाम हो उस मजलूम पर कि जिस पर हर जुल्म किया गया। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम मेरे जद के गम में रोया करो तो चीख कर रोया करो। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला हम वैसे भी तो रो सकते हैं। मौला ने कहा चीख कर इसलिए रोया करो कि मेरे जद हुसैन ने कहा है कि मुझे रुला रुला के मारा गया, कभी कासिम के टुकड़ों पर रुलाया, कभी अकबर के लाशे पर, कभी असगर के लाशे पर, कभी ओनो मोहम्मद के, कभी अब्बास के लाशे पर, कभी हुर और हबीब, कभी जॉन के लाशे पर मुझे रुला रुला के मारा गया। मौला कहते तीर तलवार तबर नज़ों खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे, अरे जिसके जो हाथ लगा ज़ुल्म उसी से ढाया। यहाँ एक मासूम की रिवायत है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक रिवायत है जो किसी आलिम दीन ने पढ़ी कि इमाम रजा से किसी ने पूछा, मौला आपके जद को कैसे मारा गया? कहा इस तरह से जैसे किसी जंगली भेड़ को मारा जाए। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला ज़िबा तो गाय भी होती है बकरी भी होती है, आपने इनसे तशबीह क्यों ना दी? मौला ने कहा इसलिए ना दी कि अरब के कबाइल उनका एक शौक, और वो शौक ये कि वो एक भेड़ को पालते हैं और कई महीने उसको खूब पालते हैं, फिर एक दिन मुकर्रर करते हैं उसको मैदान में लेकर जाते हैं, सारा कबीला घेरा बनाकर खड़ा हो जाता है, बीच में उस जानवर को खड़ा करते हैं, फिर अपने अपने हथियार निकालते हैं, तलवार तीर नैज़े भाले, फिर जिसके पास जो हथियार होता है वो उस हथियार से मारता है। मेरे जद हुसैन को 9 लाख के नरगे नरगे में इसी तरह घेर कर मारा गया, इसी तरह घेर कर मारा गया था। पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, जरब जो सर
पे लगी कहता था बाबा बाबा, अरे इतने संग दिल ये सब रहम न मुझ में जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हुसैन के हाथ में जब अलीअज़हर का लाशा आया है, अब गिरिया की आवाज बुलंद करना वक्त है। मसाइब हैं हज़रत ने मज़लूम ने करबला, देखिए आप जिस खौफ से ज़िदारी कर रहे हैं, और ये मेंबर हुसैन की कसम, ये जिक्र की करामत है कि हमें एनर्जी मिल जाती। परसों में कृष्णनगर में मैंने पढ़ा था।